नीतीश कुमार के दो मंत्री का अभी हुआ है गोटी लाल, एक का बेटा कांग्रेस में तो दूसरी की बेटी जिस पार्टी से लड़ रही है चुनाव उस पार्टी का नाम है LJPR। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। जी हां, बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है और फिर से हम एक बड़ी टूट की चर्चा करने जा रहे हैं और वो बड़ी टूट कहाँ हुई है तो समस्तीपुर लोकसभा सीट पर। जी हां, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एक बड़ी टूट हुई है और वो टूट यह है कि महेश्वर हजारी के सुपुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अब देखिए कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री है महेश्वर हजारी और नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं सन्नी हजारी, उन्होंने कल सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सन्नी हजारी के साथ साथ मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, तो वहीं दूसरी तरफ पटना से विक्रम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल कुमार शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर बड़ा पेच फंस चुका है। और वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन के लिए यह सीट बड़ा ही मुश्किल खड़ा कर रहा है, क्योंकि महेश्वर हजारी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने कांग्रेस की अब सदस्यता ग्रहण कर ली है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि सन्नी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता इसीलिए ग्रहण की है क्योंकि कांग्रेस उन्हें समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ाने का कमिटमेंट किया है। सन्नी हजारी कौन है उनके बारे में विस्तार से जानिए तो सन्नी हजारी प्रखंड प्रमुख हैं खानपुर से और महेश्वर हजारी के सुपुत्र हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महेश्वर हजारी, सन्नी हजारी, इन लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जनाधार की बात करें तो इनका जनाधार भी कम नहीं है, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। दूसरी तरफ सन्नी हजारी के अगेंस्ट में जो वहां चुनाव लड़ रही हैं, जिनको सिंबल मिल चुका है, जो घोषित उम्मीदवार हैं, वो सांभवी चौधरी हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अशोक चौधरी की जो बेटी है सांभवी चौधरी, उनके पति का नाम सयान कुणाल है और उनके जो ससुर जी हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम आचार्य किशोर कुणाल है, तो उनको LJPR ने टिकट दिया है। अब देखिए सन्नी हजारी को लेकर के हमारे जो सूत्र बताते हैं और न्यूज चैनल पर भी अभी चलने लगा है कि सन्नी हजारी को लेकर के महेश्वर हजारी चाहते थे कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से हमारे सुपुत्र को टिकट दिया जाए, और सूत्र ये भी बताते हैं कि महेश्वर हजारी सन्नी हजारी के साथ पिछले दिनों चिराग पासवान के आवास पर गए थे और चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात की थी कि हमारे सुपुत्र को सन्नी हजारी को समस्तीपुर लोकसभा का टिकट दीजिए, लेकिन बात नहीं बन पाई और वो टिकट चिराग पासवान ने सांभवी चौधरी को दे दिया। तो टिकट की बात नहीं बनने के कारण सन्नी हजारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और सूत्र ये भी बताते हैं कि टिकट समस्तीपुर से 100% निश्चित है कि सन्नी हजारी को ही मिलेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल के दो मंत्री के एक के पुत्र और दूसरी की पुत्री समस्तीपुर लोकसभा के चुनावी मैदान में कूद चुकी है। अब अगर नीतीश कुमार समस्तीपुर लोकसभा सीट में जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, जनता से मिलने जाते हैं, तो वो किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि नीतीश कुमार NDA गठबंधन के साथ है, NDA गठबंधन का हिस्सा है, महेश्वर हजारी भी NDA गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तो अशोक चौधरी की बेटी के लिए ही चुनावी मैदान में कूदेंगे या फिर नीतीश कुमार समस्तीपुर में जन संवाद का कार्यक्रम ही नहीं रखेंगे तो ये समस्तीपुर की जो लड़ाई है उसका असर पूरे बिहार के चुनाव पर पड़ने को दिख रहा है। क्योंकि जो टूट हुई हैं और ये जो टूट हुई हैं यानी महेश्वर हजारी के सुपुत्र ने जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थामा है, वहीं पटना से विक्रम विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार शर्मा ने जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है, वहीं जो है वाल्मीकि नगर सीट पर भाजपा के ही उम्मीदवार थे, भाजपा के तरफ से ही थे और उन्होंने जिस तरह से RJD का दामन यहीं 7 तारीख को थामने जा रहे हैं, और कल मुकेश सहनी ने जिस तरह NDA गठबंधन का हिस्सा बना है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अगर आप एक निष्कर्ष निकालते हैं तो उस निष्कर्ष से ये निकलता है कि अब की बार जो है 40 में 40 की बात जिस तरह से NDA गठबंधन कर रही है वो धरातल पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लड़ाई टसमटस की होने जा रही है और संभावनाएं तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि अब की बार 20 NDA गठबंधन के खाते में तो 20 NDA गठबंधन के खाते में जो लोकसभा का सीट है वो सीट जाएगा। अब यह धरातल पर कितना
सही होता है, किसको कौन सी सीटें जाती हैं, कौन इस बार चुनाव में जीतता है। और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जिस तरह से दोनों मंत्री के एक पुत्र और एक पुत्री चुनावी मैदान में कूद चुके, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि ये जो मुकाबला है समस्तीपुर लोकसभा सीट पर, यह महामुकाबला है जो एक युवा नेता है और दूसरी तरफ एक युवा नेत्री के रूप में उभर रही है शांभवी चौधरी। इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा, वो मुकाबला में कौन चुनाव जीत करके इस बार लोकसभा पहुंचेगा, इसकी चाबी तो सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है। तो इस तरह की टूट जो है बार बार बिहार में हो रही है, और इस तरह के टूट से तमाम तरह के कयासें लगाई जा रही हैं। अभी बहुत सारे कयास सामने निकल करके आ रहे हैं, बहुत तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, कौन किस पार्टी में है यह सुनिश्चित कर देना और अभी तय कर देना, ये जो है बिहार के चुनाव के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कब कौन किस पार्टी का दामन थाम ले, ये बिहार में लगातार हो रहा है और आगे होने की प्रबल संभावना भी दिख रही है। तो समस्तीपुर लोकसभा सीट पर क्या होगा, दोनों प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। एक प्रत्याशी जो हैं शांभवी चौधरी, उनके पिता अशोक चौधरी जनसंवाद कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और चुनावी मैदान में वो अपनी बेटी के लिए कूद चुके हैं। तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी चाहते हुए भी चुनावी मैदान में नहीं कूद सकते हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और उनका बेटा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि महेश्वर हजारी ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर के कहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वो जो भी फैसला लेता है उसका फैसला मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ, निष्ठा से हूँ और एनडीए के लिए ही हूँ, एनडीए के लिए ही खड़ा हूँ और एनडीए के लिए ही रहूँगा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी पता नहीं क्या होगी, क्या महेश्वर हजारी अपने सुपुत्र को चुनावी मैदान मदद करेंगे, तो पर्दे के पीछे क्या कहानी होती है, इस पर भी हम चुनावी विश्लेषण करते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। इस तरह की टूट की खबर हम लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आप अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पे जो हमारे वीडियोज हैं उन पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, हम कमेंट का भी रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।